क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 7x-9 इज इक्वल टू 16। बहुत ही सरल है। अरे यहाँ 9 है इसके पास, वो भी कैसे, माइनस के प्लस के जोड़ देंगे इसको। 7x-9 प्लस के इसको 9 लड्डू दे दिए, ये हो गया बराबर काम। इसको भी दे दो 9, दे दिए। ये और ये मिलके क्या हो गए, 0। 7x इज इक्वल टू, और 16+9 ऐड कर दो कितना आएगा, 25 आएगा क्या, 25 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया, अरे 7x/7 और 25/7, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 25/7 आ गया। अरे 25/7 सही है क्या, रख के देख लो। ये x की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी जांच हो जाएगी। जांच कैसे करनी है, 7 × इस x की जगह x की वैल्यू रखो जो आपने निकाली है, 25/7-9 इज इक्वल टू ये भाई 16। 7 से 7 कट गया, और 25-9/16 इज इक्वल टू 16। 16 = 16 आ गया, इसका मतलब वैल्यू क्या है, सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 10 की कर लेते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, ये है 14y-8 इज इक्वल टू 13। सरल है, आसान है, कैसे कर लेंगे, हल कर लेंगे। नेगेटिव वैल्यू है, अरे y के जो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू, इसको अपने को अकेला करना है। इसके जो डिवाइड में जो वैल्यू है वो क्या है, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अरे भाई इसको क्या कर देंगे, -8 को +8 दे देंगे। इधर +8 दिया है तो इधर भी क्या कर देंगे, +8 ऐड कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई भैया, 0 हो गई। तो यहाँ क्या आ गया, 14y = 13+8 कितना हो गया, 21। अरे भाई 14y है तो 14 से डिवाइड कर दो, इधर 14 से डिवाइड किया है तो इधर भी 14 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, y = 21/14 आ गया। कट रहा है क्या भैया, 7 का भाग दे, वो दोनों में जाता है, 7 × 14 + 7 = 21। तो y = 3/2 वैल्यू आ गई क्या, अरे y = 3/2 इसमें रखोगे क्या, इसमें रखोगे ये वाले समीकरण में रखोगे तो क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी क्या, सवाल की जांच हो जाएगी क्या, हो जाएगी। कैसे होगी, अभी करते हैं, रख दो, जांच करनी है, जांच करो। 14 × y की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, तो यहाँ 3/2 रख दिया, -8 = 13। अरे 2 से 14 को डिवाइड किया 7 टाइम, और 7 को 3 से मल्टीप्लाइड किया कितना आया, 21 - 8 = 13, और 13 = 13 इसका मतलब LHS = RHS आ गया। इसका मतलब वैल्यू जो निकाली y की वो क्या है, सही है।